नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका DDS पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन ऐसी स्टीयरिंग हैंडलिंग टिप्स की जिससे कि नए ड्राइवर को यानी कि लर्नर को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग के समय में जब वो सीख रहे होते हैं तो थोड़े से मिसकंसेप्शन होते हैं उनके दिमाग में, और उसी के हिसाब से मैं ये ड्राइविंग लेसन बना रहा हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि जब तक मिसकंसेप्शन दूर नहीं होंगे तब तक प्रॉपर ड्राइविंग टेक्निक समझ में नहीं आएगी, और जो प्रॉपर तरीका है वो आपको बहुत जल्द गाड़ी सीखने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज है, जो पहला मिसकंसेप्शन है कि नए ड्राइवर सोचते हैं कि अगर मुझे एक टर्न लेना है तो मुझे कितनी बार स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री का टर्न है मेरे राइट हैंड साइड में, तो नए ड्राइवर हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मुझे दो बार अगर मैं स्टीयरिंग को घुमाऊं तो मेरी गाड़ी जो है 90 डिग्री का टर्न ले लेगी, या डेढ़ बार घुमाऊं या फिर पूरे ढाई बार घुमाऊं। तो मतलब वो ये समझते हैं कि जो मोड़ है गाड़ी का वो स्टीयरिंग के चक्कर पे डिपेंड करता है, स्टीयरिंग की नंबर ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा गलत सोचते हुए आ रहे हैं। अगर आपने एक 90 डिग्री का टर्न अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग के डेढ़ चक्कर या दो चक्कर में कंप्लीट करा तो मैं गारंटी देता हूँ उससे अगला जो टर्न होगा यानी कि 90 डिग्री का टर्न अगर आप दूसरा लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टीयरिंग के दो बार घुमाने में वो मुड़ जाएगी गाड़ी। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिस्टेंस से मोड़ रहे हैं या कितनी देर बाद मोड़ रहे हैं, कितनी स्पीड में मोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो जो सही आदत है स्टीयरिंग को टर्न करने की यानी कि गाड़ी को मोड़ने की, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ जहां आपने गाड़ी मोड़नी है वहां पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे गाड़ी ले जानी है उस लेफ़्ट टर्न में, तो मैं एक पॉइंट यहां से देख लूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे रोड के उधर लेके जानी है गाड़ी को, गाड़ी का जो सेंटर है मुझे रोड के उस पॉइंट में लेकर जाना है जहाँ पर आपको ये मार्किंग दिखाई दे रही है, तो मैं गाड़ी को लेकर जाऊँगा। मैं स्टीयरिंग को देखूँगा भी नहीं, मैं स्टीयरिंग की तरफ बिल्कुल भी देखूँगा, और मैं गाड़ी का स्टीयरिंग उसी हिसाब से टर्न करूँगा कि मेरी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाए। और ये सबसे आसान तरीका है और बहुत जल्दी गाड़ी को सिखाने वाला तरीका है, गाड़ी मतलब कि स्टीयरिंग को कंट्रोल करना सिखाने वाला तरीका है। आप स्टीयरिंग के रोटेशन को ध्यान में ना रखते हुए आप उस जगह पे देखिए जहाँ पर आपने गाड़ी को टर्न करनी है और उसी हिसाब से आप स्टीयरिंग को घुमाइए। अगर आपकी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसे सीधा होने दीजिए और जो है गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए। जैसे कि मेरे को अभी राइट टर्न लेना है तो मैं देखूंगा कि मुझे उस रोड के उस साइड में लेकर जाना है और उसी हिसाब से मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा। मेरी लेफ़्ट साइड में आगे रोड की, अब मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दूंगा। यहाँ पर मुझे कितने चक्कर लगाए मैंने स्टीयरिंग के व्हील के, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ना मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन न्यू ड्राइवर का ये रहता है कि वो ये समझते हैं कि गाड़ी को डायरेक्शन देने के लिए हमें सिर्फ गाड़ी के आगे हिस्से को लेकर जाना होता है उस डायरेक्शन की ओर, और हमारी गाड़ी प्यार से मुड़ जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, नए ड्राइवर क्या समझते हैं, जैसे मुझे उधर गाड़ी मोड़नी है तो मैं कुछ इस तरीके से इसको मोड़ दूंगा, मेरे को गाड़ी का अगला हिस्सा लेकर जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप आगे के हिस्से के बारे में सोचोगे गाड़ी के तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का हिस्सा तो आपने बड़ी प्यार से बचा लिया है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है वो इन स्टोन के ऊपर चढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो आगे का जो टायर है उसको फॉलो करते हैं पीछे के टायर, और जब आगे के टायर को आप टर्न करते हैं वो जगह से काफ़ी आगे होते हैं, और जो पीछे के टायर है वो वहीं से टर्न लेना स्टार्ट कर जाते हैं और उसके आगे कोई भी चीज़ आती है वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी गाड़ी का पिछला टायर कहीं टकरा जाएगा, या फिर अब अगर यहाँ पर कोई दीवार विवार होती तो मेरी गाड़ी का जो साइड है वो रगड़ जाता है इसमें। यानी कि पीछे के टायरों के बारे में भी सोचते हैं जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है,
वो मैं आपको बताता हूँ। मैं गाड़ी को बैक लेकर जाता हूँ, तो पिछले पहिए को बचाने के लिए यानी कि गाड़ी की पीछे की बॉडी को बचाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि देख लेना है कि कॉर्नर कहाँ पर है, उसके हिसाब से आपने जो लेफ्ट वाले कर्व स्टोन हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलनी है, और ये आगे वाले हिस्से को जितना आपने अपने गाड़ी का अगला वाला हिस्सा घुसाने की सोची थी उस मोड़ के हिसाब से, तो उससे थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। मैं देखिए उससे थोड़ा सा आगे लेकर जाके अगर मोड़ता हूँ तो मेरा गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरा का पूरा बच जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से गाड़ी से उतर के। अब देखिए मैंने अपनी गाड़ी को हल्का सा आगे करके मोड़ा तो अगला पहिया तो सेफ है ही है, उसके साथ साथ पिछले वाला जो पहिया है और गाड़ी की पीछे वाली बॉडी है वो काफ़ी दूर है इन कवर स्टोन से। तो ये चीज़ सोचते हुए चलनी है जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, खास करके न्यू ड्राइवर। तो एक तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए और दूसरा आप आगे जो है गाड़ी को ले जाके मोड़िए, और तीसरी जो टेक्निक है उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपकी गली थोड़ी सी पतली है तो आप क्या करिए, आप हल्का सा राइट की साइड को लेकर फिर जाके लेफ्ट को मोड़िए, इससे भी आपकी गाड़ी का पीछा हिस्सा काफ़ी दूर रहता है कॉर्नर्स पे। तो इस चीज़ का नए ड्राइवर बिल्कुल ध्यान रखें। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं नए ड्राइवर, ये हाल ही में मैंने ऑब्जर्व करी थी जब मैंने एक नए ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देखा था, जब नए ड्राइवर करते क्या हैं, जब वो गाड़ी को मोड़ लेते हैं इस तरीके से, जैसे उन्होंने ये गाड़ी मोड़ ली फिर वो गाड़ी को सीधा करने के लिए काफ़ी मशक्कत करते हैं इस टाइप से, लेकिन उन्हें जो गाड़ी की स्टीयरिंग की जो रिटर्न आने वाली एबिलिटी है उसका फ़ायदा उठाना नहीं आता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, और इस कंडीशन में वो गाड़ी को टर्न भी करते हैं और स्टीयरिंग खुद अपने हाथों से वापस लेके आते हैं, उससे होता क्या है टाइम कंज्यूम होता है, और दूसरा आप वो गाड़ी की प्रॉपर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, वो गाड़ी को रोक देते हैं, कई बार डर लगता है उनको तो गाड़ी रोक देते हैं और इससे टाइम भी काफ़ी लगता है और गाड़ी टाइम पर सीधी भी नहीं हो पाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मोड़ लेता हूँ, मोड़ने के बाद मैं अपने स्टीयरिंग को छोड़ दूंगा, वो अपने आप सेंटर में आएगा और हल्का सा मुझे उसको लास्ट में डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ, ये स्टीयरिंग वापस अपने आप सेंटर पर आ जाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी की उतनी जल्दी सेंटर पर आएगा, कम स्पीड है तो कम आएगा, और कम स्पीड में हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये थी तीन टिप्स जो कि नए ड्राइवर को समझनी काफ़ी ज़रूरी है, और इसको समझ के चलते हैं तो वो स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ अपनी गाड़ी को प्रॉपरली डायरेक्शन देने में माहिर हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और भारत माता की जय।